स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विषकन्या की कहानी। क्या है इस कहानी का रहस्य, कैसे कोई लड़की विषकन्या बनती है, जानेंगे कहानी में। कहानी के लेखक है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। आप अपने ईयरफोन हेडफोन पहन लीजिए, चलते हैं आज की कहानी की ओर। कार्तिक का महीना, जब आसाम के उस छोटे से सटे स्टेशन पर बगल में बैग लटकाए और हाथ में अटैची लिए उतरा तो सांझ की सुरमई चादर चारों तरफ धीरे धीरे फैल रही थी। मेरे साथ गाड़ी से जो तीन चार सज्जन प्लेटफार्म पर उतरे थे वे न जाने कहां गायब हो गए थे। गाड़ी भी एक मिनट रुककर झकझकू भक भकू करती हुई चली गई थी। मैं कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर स्टेशन मास्टर के कार्यालय की ओर बढ़ गया। उन दिनों आसाम के एक सीमावर्ती स्थान पर केंद्रीय पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई का कार्य चल रहा था। वहां बौद्धकालीन वस्तुओं के मिलने की संभावना थी, जो अपने आप में अति मूल्यवान और अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। कहने को आवश्यकता नहीं, उसी खुदाई के सिलसिले में मेरा वहां जाना हुआ था। स्टेशन मास्टर बंगाली सज्जन थे, नाम था अतुल मुखर्जी। लोग उन्हें अतुल बाबू कहते थे। मझोला कद, गठीला शरीर, सांवला रंग, गोलमटोल चेहरा, गंजा सिर और पावर के चश्मे के भीतर से झांकती हुई छोटी छोटी आंखें, शरीर पर धोती कुर्ता, ऐसा था अतुल बाबू का व्यक्तित्व। जब उनको यह मालूम हुआ कि मैं पुरातत्व विभाग का उच्च अधिकारी हूं और सरकारी काम से मुझे वहां आना पड़ा है, तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई। स्टेशन से सटा रेलवे का दो कमरों वाला एक क्वार्टर था, उसी में रहते थे अकेले अतुल बाबू। स्टाफ के नाम पर केवल लाइनमैन था, नाम था कालू। कालू कुल्ली भी था और चपरासी भी। कालू असमिया आदिवासी था, लंबा कद, बिल्कुल काला रंग, सूखी लकड़ी की तरह शरीर, उम्र यही 40-45 के लगभग। उसने मुझे वहां की भौगोलिक स्थिति समझाते हुए बतलाया कि इधर आसपास कोई हाट बाजार नहीं है, गांवों के लोग हफ्ते में एक दिन काफी दूर स्थित बाजार जाकर जरूरी सामान ले आते हैं। लगभग 15-20 फरलांग की सीमा में 10-10 और 12-12 झोपड़ियों के 5-6 गांव थे। गांवों के एक ओर घना जंगल था और दूसरी ओर था पहाड़ों का सिलसिला। जंगल में खूंखार जानवरों की भरमार थी, लेकिन गांवों के लोग उन खूंखार जानवरों से कम खतरनाक नहीं थे। आसाम के उस वन प्रांत में विभिन्न प्रजाति के भयानक विषधरों की भी कमी नहीं थी। गांव के लोगों का एकमात्र व्यवसाय था जहरीले सांपों का जहर निकालना और जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करके दूर के बाजारों में बेचना। अतुल बाबू मुझसे काफी प्रभावित थे, उन्होंने अस्थायी तौर पर अपने ही क्वार्टर में मेरे ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। कालू उनका खाना भी बनाता था और बाजार हाट भी कर देता था। अतुल बाबू के आदेश पर दोनों वक्त मेरे लिए भी खाना बना देता था वह, लेकिन उसके बनाए हुए भोजन में स्वाद नाम मात्र नहीं होता था। अतुल बाबू इतने दिनों से कैसे खाते चले आ रहे थे वे ही जाने। मेरी तो विवशता थी, इसलिए किसी प्रकार खाकर संतोष करना पड़ा था। लेकिन 4-5 दिन के बाद लगने लगा कि यदि ऐसा ही खाना पीना रहा तो एक न एक दिन अपनी अर्थी बनवानी पड़ेगी। स्वास्थ्य संभालने के लिए सोचा कि कहीं से आधा सेर दूध की व्यवस्था हो जाती तो श्मशान यात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कालू से चर्चा की मैंने, उसने बतलाया कि गांव में केवल दूध माथा की झोपड़ी में मिलेगा और किसी के पास नहीं। माथा की झोपड़ी एक फरलांग की दूरी पर रेलवे लाइन के पास थी। उसी शाम लोटा लेकर दूध लेने के लिए माथा के पास गया, उसे अपना परिचय दिया और पूछा, तुम्हारे यहां दूध मिलेगा? माथा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। वापस लौटने लगा मैं, तभी एक जनानी आवाज ने रोक दिया मुझे, बाबा थोड़ा दूध तो बचा है, दे दो ना बाबूजी को। घूम कर देखा मैंने, ताजे गुलाब की तरह खिली एक नवयौवना थी वह। इतना उज्ज्वल वर्ण किसी भारतीय नारी का नहीं देखा था मैंने, बिल्कुल अंग्रेज जैसा वर्ण था उसके शरीर का। प्रकृति के सान्निध्य ने और भी दमका दिया था उसके शरीर को। सुनहरे बाल और भूरी चमकीली आंखों से बिल्कुल साफ पता चलता था कि वह भारतीय खून नहीं है। माथा मौन रहा, दूध ले आई वह भीतर से और मेरे लोटे में दूध डाल दिया। उसकी ओर अपलक निहारता रहा मैं, जैसे स्वर्ग से उतरकर कोई देवकन्या मुझे अमृत दे रही हो। मैंने 5 रुपए का नोट उसकी तरफ बजाया, लेकिन उसने नोट नहीं लिया, मुस्कुराकर भीतर चली गई झोपड़ी में।
पूरे रास्ते उस नवयौवना का दमकता चेहरा थिरकता रहा मेरे मानस पटल पर, जो दूध नहीं बेचती। जिसने पैसे लेने से इनकार कर दिया उसके पास दोबारा जाना उचित नहीं प्रतीत हो रहा था मुझे। मगर उस समय क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका ध्यान नहीं रहा। काफी प्रयत्न करने पर भी मन नहीं माना। दूध मिले या न मिले, उस परम सुंदरी के दर्शन से ही परम स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। एक विचार मन में यह भी आया कि यदि मैं दूध लेने नहीं जाऊंगा तो हो सकता है वह नाराज हो जाए। फिर इस घोर अरण्य में उस मूल्यवान रत्न को सराहने वाला भला कौन मिलेगा। दूसरे दिन सांझ के समय गया, आशा के विपरीत बड़ा स्वागत हुआ मेरा। खाट पर बैठा माथा ऊंग रहा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए आंखों ही आंखों में नमस्कार किया और भीतर चली गई। माथा से बातें होने लगी। यहां बस वे ही रहते थे, उनका और कोई था भी नहीं। पोती का नाम मोनी था, लोग उसे मोना कहकर पुकारते, मोनी हो या मोना। मेरे लिए तो सुखद थी वह मेरा लोटा लेकर दूध भर लाई उसमें। यह दूसरा अवसर था उसके निकट जाने का। भर नजर देखा मैंने उसे, जब अपनी कजरारी आंखों की पलकें उठाकर मेरी ओर देखा उसने तो सनसना उठा। मेरा सारा शरीर रोमांच हो आया, सारे शरीर में। फिर तो निसंकोच रोज ही पहुंचने लगा मैं वहां। झोपड़ी के सामने थोड़ी दूर पर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसी की छांव में बैठकर कुछ देर तक बातें भी करने लगा मैं मोना से। तन मन पर एक बारगी छा जाने वाली औरत में बात करने में उसकी भाषा की अनभिज्ञता कभी आड़े नहीं आई। कुछ ही दिनों में मैं मोना की भाषा सीख गया और मोना भी फर्राटे से हिंदी बोलने लगी। हम दोनों के बीच अपने अपने भाव व्यक्त करने में जो रुकावट थी वह दूर हो गई। एक हफ्ते बाद उच्चाधिकारी और अन्य कर्मचारी पहुंचने वाले थे वहां। उन लोगों के रहने के लिए तंबू कनात एक दिन पहले ही आ गए थे। अतुल बाबू की सहायता से उनको लगाने के लिए स्थानीय मजदूरों की व्यवस्था की मैंने। तमाशा लगा, गांव वाले देखने के लिए जुट भी गए। उस दिन स्वयं दूध लेकर आ पहुंची मोना। निहाल हो गया मैं, मगर उसके गांव वाले बेहाल हो गए। उनमें जो युवक थे उनकी तो हालत पूछिए मत, वे तमाशा छोड़कर बस एकटक देखने लगे उसी की ओर। अतुल बाबू मेरे साथ थे, वे भी उसे देखकर एक बारगी चकपका से गए। खांसकर धीरे से बोले, शर्मा मोसाय, इस जंगल में अंग्रेज जैसी गोरी लड़की कहां से आ गई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मोना को जल्दी ही वहां से हट जाने का इशारा किया, वह सिर झुकाए चली गई। अगले दिन जब दूध लेने गया तो बातचीत के सिलसिले में गांव वालों विशेषकर नवयुवकों की गंदी नजरों का जिक्र किए बगैर रहा न गया मुझसे। मेरा ख्याल था कि चिंतित होगी वह, मगर नहीं। वह शांत और गंभीर स्वर में बोली, मुझे सब मालूम है, कुछ भी छिपा नहीं है मुझसे, पर आप घबराते क्यों हैं? उनका दिया ना आप खाते हैं और न तो मैं ही खाती हूं। सहसा मोना का चेहरा गहरा गुलाबी हो गया, आकाश की ओर शून्य में ताकने लगी वह। अपने आप पर खींच हुई मुझे, उस वीर बाला से क्यों कायरता की बात की मैंने? मेरे पुरुषत्व को ललकारा था उसने। मुझे मौन साधे देखकर मुस्कराती हुई हौले से बोली, तकलीफ, बंदर और दुश्मन, तीनों का स्वभाव एक जैसा होता है, जितना डरोगे उतने ही हावी होंगे। मैं उसका कायल हो गया यह सुनकर। एक दिन प्रेमरस की बातें करते करते मैं आवेश में उसे अपने हृदय से लगाने के लिए व्याकुल हो उठा। वह छिटक कर दूर जा खड़ी हो गई। क्षण भर के लिए उसकी कजरारी आंखें लाल हो उठीं। मैं सहम गया। धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आई वह और बड़े प्रेम से मधुर स्वर में बोली, डर गए? अब भला मैं तुम पर बिगड़ने लायक रह गई हूं, मगर एक फासला रखना, मर्यादा को तोड़ना और मर्यादा का अपने आप टूटना अलग अलग बात है। सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी मैंने भी। उसके धैर्य और बुद्धिमानी की सराहना की और वचन दिया कि मैं सदैव वही करूंगा जिसमें वह प्रसन्न रहेगी। तन के संबंध से अधिक आत्मा के संबंध को अत्यधिक महत्व देती थी मोना। खुदाई का काम शुरू होने वाला था, सारा इंतजाम हो चुका था। अगले दिन मेरे सहयोगी रमाकांत तिवारी दिल्ली से आ गए। उनके साथ उनकी पत्नी रमा जी भी थीं। घूमने के लिए आई थीं वह। तिवारी जी मेरे अधिकार में काम करते थे, लेकिन आय में मुझसे थोड़े बड़े थे, इसलिए रमा जी को भाभी जी कहता था मैं। पढ़ी लिखी, मिलनसार और हसमुख महिला थी वह। मेरा कैंप अलग था, लेकिन तिवारी जी के अनुरोध पर दोनों समय का खाना उन्हीं के साथ खाने लगा मैं। एक दिन तिवारी जी अपने चपरासी को लेकर बाजार गए हुए थे। दोपहर का समय था। खाना खाने के बाद रमा जी के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था मैं।
बीच बीच में चुटकुले सुना सुनाकर मेरा मनोरंजन भी करती जा रही थी। यह चाय पीने का समय जब हो गया तो नौकर चाय बनाकर ले आया। रमा जी बिस्कुट का डिब्बा खोलकर नाश्ता करने बैठी, दो चार बिस्कुट मेरे गोद में भी फेंक दिया। उन बिस्कुटों को वापस करने के लिए उठा मैं, न जाने उनके मन में क्या आया कि मेरा हाथ पकड़कर बिस्कुट का एक टुकड़ा मेरे मुंह में घूंसने लगी, जबरदस्ती और जोर जोर से कह कहे लगाकर हंसने लगी। तभी मेरी नजर घूम गई कैंप के दरवाजे की ओर। एक बारगी सक पका गया मैं। वहां मोना दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी, आंखें उसकी लाल हो रही थीं और चेहरा भी तमतमा रहा था उसका। बोली कुछ नहीं वह, लेकिन उसका मौन उसकी फटकार से भी अधिक दहला देने वाला था मन को। अगले दिन सवेरे तिवारी जी के साथ खुदाई का काम देखने चला गया था। जब लौटने लगा तो अचानक मेरी नजर मोना पर पड़ी। तिवारी जी और मेरे कैंप की ओर से निकलकर दूर चली जा रही थी वह। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मुझसे बिना मिले लौटी जा रही थी। बह, मेरा माथा ठनका, किसी अज्ञात भय से कांप उठा मेरा मन। दौड़ा दौड़ा कैंप में पहुंचा, वहां का अप्रत्याशित दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया एक बारगी। थर थर कांपने लगा सारा शरीर। अस्त व्यस्त अवस्था में जमीन पर पड़ी तड़प रही थी रमा जी। उनका शरीर तेजी से निश्चल होता चला गया। उस पिछड़े इलाके में दवा इलाज का कोई इंतजाम नहीं था। सभी ने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया। कालू भी अपने अविश्वसनीय सुझाव देता रहा, लेकिन सब व्यर्थ सिद्ध होता चला गया। पूरा शरीर नीला हो चुका था रमा जी का अब तक, और हम सबके सामने दम टूट गया उनका। तिवारी जी ने अपना सिर पीट लिया। मैं धम्म से बैठ गया जमीन पर। कालू को पक्का विश्वास था कि रमा जी को किसी भयंकर विषधर ने डस लिया था। उनके हाथ की उंगली पर दांत के निशान थे जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। स्टाफ के लोगों पर मातम छा गया था। रमा जी के शव के सिरहाने पूरी रात सिर झुकाए उदास बैठे रहे तिवारी जी। मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी बतला नहीं सकता। कालू भी उदास था और उसका चेहरा उतरा हुआ था। मोना को भी समाचार मिला, मगर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मुझे गौर आश्चर्य था। बार बार मेरे मन में संदेह का भाव उठ रहा था मोना के प्रति, मगर उस संदेह की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। पुष्टि हो भी जाती तो भला क्या कर लेता मैं। दो दिन तक बराबर मेरे मस्तिष्क में तरह तरह की संभावनाएं उठ उठकर परेशान करती रही मुझे। अत्यंत खतरनाक युवती लगने लगी थी मुझे मोना। निश्चय ही कोई भयंकर विषधर सांप को पाल रखा होगा, उसी से डसवा दिया होगा रमा जी को, इसमें संदेह नहीं। ये सब सोचने समझने और विचार करने के बावजूद अपने आप को मोना से अलग करने की बात सोच न सका मैं। तिवारी जी उस खतरनाक हादसे की रिपोर्ट यदि विभाग में करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया यह नहीं बतला सकता मैं। यदि उन्होंने रिपोर्ट किया होता तो मोना के पूरी तरह फंस जाने की संभावना थी। मुझसे भी जवाब तलब किया जाता कि क्यों संबंध स्थापित किया था मैंने मोना और उसके दादा से, क्या कारण था। मैं कितनी भी सफाई देता लेकिन एक न सुनी जाती मेरी। और तिवारी जी के चले जाने के कारण खुदाई का काम बंद हो गया था, लेकिन अगले आदेश तक रुकना पड़ा था मुझे वहां। मोना की ओर से सतर्क हो गया था मैं। यह बात ताड़ गई थी वह। एक दिन दोपहर के समय मेरे कैंप में आई और बड़े प्यार से मेरा हाथ थामकर अपनी ओर खींचती हुई रसभरे स्वर में बोली, बाबू तुम मुझे कभी बुरा मत समझना, तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं बन सकती मैं, मगर हां तुम्हारी भलाई के लिए काली माई का रूप भी धारण कर सकती हूं, किसी को भी चबा सकती हूं, किसी का भी खून पी सकती हूं मैं, समझ गए ना। मोना का प्रेम प्रदर्शन और अपनी सफाई में कही गई ये सारी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अपलक निहारने लगा मैं उसे। निश्चय ही जादूगरनी थी वह। उसके अंग प्रत्यंग में आकर्षण था और भरी थी यौवन की मादकता। भला कैसे कहा जा सकता था उसे अपराधिनी। आवेश से भर उठा मैं। वासना के वशीभूत होकर रोम रोम कांपने लगा मेरा। उस परम सुंदरी नव यौवना को खींचकर अपने हृदय से लगाने के लिए व्याकुल हो उठा मैं। मेरी व्याकुलता अपनी सीमा तोड़ रही थी। शायद मोना की भी यही स्थिति थी। वह भी बासना के नशे में बेहोश सी होती हुई नजर आई मुझे। मेरे सीने पर अपना सिर टिकाकर आलिंगन बद्ध कर लिया उसने मुझे। फिर हम दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब और करीब होने लगे। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर टकराने लगी। अपने आलिंगन में धीरे धीरे कसती जा रही थी वह मुझे। त्रिभुवन का राज्य पाने जैसी स्थिति में पहुंचने ही वाला था कि उसी पल जैसे कहीं बिजली गिरी। मुझसे छिटक कर एकदम अलग हो गई मोना।
सारा शरीर पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा था उसका। चेहरे पर क्षमा याचना का भाव लाकर जोर जोर से सांस लेती रही वह। एक सप्ताह के भीतर एक के बाद एक कई घटनाएं घटी। यदि वे न घटती तो कई अविश्वसनीय रहस्य अनावृत न हो पाते और यह कथा लिखने का अवसर भी न आता। शुरू से ही पूरे गांव वालों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था मैं। एक दिन उन्होंने पंचायत की और माथा को खूब जलीकटी सुनाई। माथा बहुत धैर्यवान निकला, सिर झुकाए मौन साधे सुनता रहा। सब कुछ किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया उसने। लेकिन जब पंचायत ने चेतावनी देते हुए यह कहा कि बिरादरी में भ्रष्टाचार फैलने से पहले बिरादरी के कायदे कानून के मुताबिक एक शीशी सांप का असली जहर और तीन थैली जड़ी बूटियां जुर्माने के रूप में मुखिया को देकर बेटी की शादी जल्दी कर दो, तब माथा तनकर खड़ा हो गया। अपनी जगह एक बार लाल लाल आंखों से चारों तरफ देखा, सिर घुमाकर, और फिर उसने पूछा, जब अंग्रेज हाकिम के आदमी खुलेआम गांव वालों के सामने मोना की मां को उठाकर ले गए थे, तब कौन सी पंचायत उसे बचाने पहुंची थी? माथा की ललकार सुनकर और भी भड़क उठे लोग। कहां की बात कहां लाकर लगाता है पापी, पंचायत क्या अंग्रेज हाकिम से लड़ने जाती? इस घटना ने अतीत की घड़ी परतें उखाड़ दी। एक बारगी और उसी के साथ मोना के सौंदर्य का रहस्य भी खुल गया मेरे सामने। बात 20 वर्ष पहले की थी। उस समय स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। सर्वत्र जन आंदोलन की आग धधक रही थी। कितने निरीह लोग उस धधकती आग में जलकर भस्म हो रहे थे। माथा का एकमात्र पुत्र था मलुआ। 20 वर्ष का जवान था वह। पिछले महीने ही उसका गौना आया था। पत्नी का नाम था मजनी। मजनी अति सुंदर नवयुवती थी, लेकिन उसके ठीक विपरीत था मलुआ। बिल्कुल बदसूरत, काला भुजंग, न देखने में न सुनने में। सचमुच दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन मजनी खुश थी, उसका सब कुछ था मलुआ। देवता से कम नहीं समझती थी उसे वह। सास न जाने कब की मर चुकी थी। परिवार में बाप बेटे के अलावा और कोई नहीं था। दिन भर मग्न रहती थी अपने काम में वह। एक दिन 25-30 वर्ष की आयु का एक स्वस्थ सुंदर युवक बगल में झोला लटकाए गांव में आया। वह थका हारा था और कई दिनों का भूखा भी था। उसके शरीर पर खद्दर का कुर्ता पायजामा था और सिर पर टोपी थी। उसका नाम था भानु सिंह। वह कुछ दिन गांव में रहना चाहता था। उसने गांव के मुखिया को बतलाया कि सर्प विष पर शोध करना चाहता है वह, इसलिए आया है वहां। फिर उसने मुखिया को अपनी बातों से ऐसा प्रभावित किया कि उसके रहने और खाने की व्यवस्था तुरंत कर दी मुखिया ने। धीरे धीरे 3 महीने का समय बीत गया। अचानक एक दिन पूरे गांव को घेर लिया पुलिस ने चारों तरफ से। हड़कंप मच गया गांव के लोगों में। घर की तलाशी ली जाने लगी। गांव में पुलिस क्यों आई है ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। सभी भयभीत थे। बाद में पता चला कि जिस सीधे सादे सरल युवक को सर्प विष का खोजकर्ता समझ रहे थे, वास्तव में वह बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। जन आंदोलन का एक सक्रिय नेता था। पूरे 3 साल से फरार था। लूटमार, डकैती के अलावा कई अंग्रेज हाकिमों की हत्या भी की थी उसने। बड़ी सरगर्मी से उसकी खोज कर रही थी पुलिस। जब पुलिस गांव में आई थी, उस समय मलुआ के घर में खाना खा रहा था भानु सिंह। भागने का मौका नहीं मिला उसे। पुलिस इंस्पेक्टर एक अंग्रेज युवक था, जॉनसन। बड़ा क्रूर और निर्दयी था वह। भानु सिंह के साथ मलुआ को भी गिरफ्तार कर लिया उसने, एक हत्यारे क्रांतिकारी को अपने घर में पनाह देने के जुर्म में। किसी काम से गांव के बाहर गया था माथा, इसलिए बच गया वह। रोती गिड़गिड़ाती मजनी पर अचानक नजर पड़ गई निर्दयी जॉनसन की। देखा तो बस देखता ही रह गया उस रूप सी यौवना को। इन जंगली आदिवासियों के बीच यह ताजा गुलाब का फूल कैसे पानी भराया उस कामांध के मुंह में। जबरदस्ती ले गया अपने साथ मजनी को वह। देखते रह गए गांव वाले मुंह बाए। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। भानु सिंह का क्या हुआ ये तो बतलाया नहीं जा सकता, लेकिन मलुआ की लाश दूसरे दिन मिली अवश्य। 2 मील दूर एक पोखरी में उतराई हुई। बेटे की निर्मम हत्या और बहू का अपहरण, पागलों जैसी दशा हो गई माथा की। उसी स्थिति में मजनी को खोजता हुआ मारा मारा फिरा। जिला कलेक्टर तक अपनी पुकार पहुंचाई, मगर वे सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे थे। कोई सुराग नहीं मिला मजनी का। पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन गांव का गाड़ीवान बल्लू अपनी बैलगाड़ी में सामान लादकर बाजार गया था। सहसा उसकी नजर एक रोती बिलखती असहाय नारी पर पड़ी। उसकी दशा पागलों जैसी थी। शरीर पर चिथड़ा लिपटा था। रह रहकर अपना बाल नोच रही थी वह।
बल्लू को पहचानने में देर न हुई। मजनी थी वह। वह अपनी बैलगाड़ी में बैठा कर गांव ले आया उसे। गांव वालों ने उसे कोई दोष नहीं दिया, माथा भी चुप रहा, मगर अपने आप स्वयं जलती रही मजनी। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी और एक महीने बाद उसने मोना को जन्म दिया और उसी समय मर गई। मोना कुछ तो अपनी मां पर गई थी और कुछ अपने गोरे बाप पर। खैर, गांव वालों ने जब देख लिया कि माथा उनकी खुलेआम उपेक्षा कर रहा है तो उन्होंने दूसरे हथकंडे अपनाए। अपने आप को बिरादरी की इज्जत के ठेकेदार समझने वाले कुछ युवकों ने लोहे का कड़ा लगी लाठियां संभाली और मेरे कैंप में आ धमके, अफसर के बच्चे, तू यहां गांव की बहु बेटियों के साथ रंगरेलियां मनाने आया है या सरकार की ड्यूटी बजाने? अपना भला चाहता है तो गांव की ओर मुंह करना छोड़ दे, नहीं तो तेरे घर वाले तेरी जान को रोते फिरेंगे। कालू ने उन्हें समझाकर मामले को दबा दिया, मगर अपने अपमान के कारण मेरा बुरा हाल हो रहा था। आतंक के भाव मेरे चेहरे पर स्पष्ट झलक आए थे। उनके जाने के बाद कालू ने मुझे समझाते हुए भयभीत स्वर में कहा, साहब ये जरायम पेशा लोग हैं, मोना के चक्कर में क्यों आप सांप के फन पर पैर रखते हो? मोना में न जाने कौन सा आकर्षण था जिसके वशीभूत होकर पागल सा हो गया था उसके लिए मैं। मेरे भीतर एक नए जीवन का संचार कर रही थी वह, उसे लेकर सपने देखने लगा था मैं। लेकिन उसके लिए पूरे गांव वालों से अकेले भिड़ने का साहस भी नहीं था मुझमें। एक बार मन में आया कि वहां से चल दूं, मगर विवशता थी। पहली यह कि अभी तक कोई नया आदेश नहीं आया था। दूसरी विवशता थी मोना हर पल छाई रहती थी मेरे मन मस्तिष्क पर। दो दिन से भूखा प्यासा पड़ा था अपने कैंप में। कालू भी गायब था। वह भी अब बिरादरी की बातों में आकर भीतर ही भीतर विरोधी बनता जा रहा था मेरा। लेटा हुआ था मैं उस समय, अचानक मेरे सामने आकर मोना खड़ी हो गई। अनुराग और प्रेम से भरी थी उसकी आंखें। अपनी सारी परेशानियों और सारी विवशता भूल गया मैं उसे देखकर। मेरे सिर के बालों में अपनी उंगलियां फिराती हुई नेह से कहने लगी, वह तुम चिंता मत करो बाबू, डरो भी मत, वे सब तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब तो मुझे भी जिद हो गई। जब मुझे पता चला तो सीधे उनकी छाती पर जा चढ़ी मैं और खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि बाबू को किसी ने छुआ तो मैं खुद मरूंगी ही, पर तुम सबको मिटाकर दम लूंगी। ये मत समझना कि मेरा कोई मददगार और कोई साथी नहीं, बाबू सरकारी आदमी है, पुलिस आएगी तो पूरे गांव वालों का नाम गिनकर बताऊंगी। सच कहती हूं बाबू, मेरी फटकार सुनकर सबको जैसे सांप सूंघ गया। मोना की बात सुनकर एक बारगी दंग रह गया मैं। उसका यह रूप तो समर भूमि में लोहा लेने जैसा था। क्या यह उसके खून का असर था? मेरे लिए तो वह काली का अवतार बन गई थी। उसके साहस और उत्साह ने मुझे निर्भय कर दिया एक बारगी। गांव वाले एक पल भी गांव में रहने देना नहीं चाहते थे। कालू बिल्कुल मेरा विरोधी बन गया था। अब केवल अतुल बाबू की छाया थी मुझ पर। मोना दूध लेकर रोज आती थी और थोड़ी देर रुककर चली जाती थी। उसके सान्निध्य और बातों में शांति मिलती थी मन को। 3 दिन बाद स्टाफ के लोग आ गए। तिवारी जी छुट्टी पर थे, वे नहीं आए। उनके स्थान पर वर्मा जी को काम देखना था। वे अति चुस्त दुरुस्त अफसर थे। आते ही खुदाई का काम शुरू कर दिया उन्होंने। मैं भी अति व्यस्त हो गया। एक रात थक कर गहरी नींद में सोया था। अचानक पीड़ा से कराह उठा और उसी के साथ नींद भी खुल गई। मेरा सारा शरीर जलने लगा, कान सन सन करने लगा, गला सूखने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पल दो पल में जलकर भस्म हो जाऊंगा। मेरा चपरासी ननकू बगल में ही सोया था, वह जाग उठा। मेरी दशा देखकर उसका घबराना स्वाभाविक था। कुछ मिनटों में अफसरों और कर्मचारियों की भीड़ लग गई मेरे कैंप में। अतुल बाबू भी दौड़ दौड़े आए। मुझे चक्कर आ रहा था, कमजोरी बढ़ती जा रही थी और आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। तभी कुछ धुंधला सा दिखाई दिया। दौड़ती हुई कैंप में दाखिल हुई मोना। एक बारगी चीख उठी मेरी दशा देखकर वह, फिर कसकर लिपट गई मुझसे, आलिंगन में बांध लिया मुझे। वही आलिंगन जिसके लिए तरसा करता था मैं। लेकिन वह आलिंगन तब मिला जब मैं उसका सुख और आनंद लेने की ही स्थिति में नहीं था। बिलख बिलख कर रोती जाती थी मोना और मुझे अपने बाहुपाश में कसती भी जाती थी। वह आलिंगन इतना उन्मत्त था जैसे वह अपने प्रेमी का अंतिम आलिंगन कर रही हो। उसके आंसुओं से मेरा चेहरा भींग गया। लोगों के सामने बिना किसी संकोच के उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए, फिर मेरे होंठों को काटना शुरू कर दिया। लगातार इस तरह दांत से काटती रही जैसे वह नागिन हो और दस रही हो मुझे।
पूरी तरह उन्मादित हो गई थी और उसी स्थिति में उन्मत्त चुंबन लेते हुए मेरा खून चूसती रही वह। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे मेरे शरीर का ताप कम होता जा रहा है, रोम रोम से निकलने वाली आग की लपटें भी कम होती जा रही हैं। मेरी हालत बहुत कुछ सुधर गई थी पहले से। मेरा कंठ का सूखना भी बंद हो गया था। आंखें खोलकर चारों तरफ देखा मैंने, विभाग के अफसरों कर्मचारियों के अलावा माथा के साथ अतुल बाबू भी खड़े थे। सभी के चेहरे पर चिंता और घबराहट थी। हां, गांव वालों में से कोई नहीं था वहां। मोना अभी भी पागलों की तरह मुझसे लिपटी मेरे होठों और गालों को बेतहाशा काटती और चूसती जा रही थी। भावना जगी कि उसे रोकू ऐसा करने से, लेकिन शक्ति ही नहीं थी। हाथ पांव हिलाकर संकेत करने की स्थिति सुधरते ही अत्यधिक थकान का अनुभव होने लगा था मुझे। मेरी आंखें मूंदने लगीं थकान के कारण। फिर न जाने कब सो गया गहरी नींद में। जब आंख खुली तो देखा सांझ हो चुकी थी और वहां कोई नहीं था। मेरा सिर मोना की गोद में था, पैर में एक जगह किसी चीज का लेप कर रही थी वह। माथा भी हाथ में एक मैला कुचैला थैला लिए खड़ा था, शायद वही दवाइयां लाया था झोले में। मोना ने कोई झड़ी घिसकर पिलाई मुझे। तुरंत ही सारे शरीर में शक्ति का संचार होता हुआ अनुभव हुआ मुझे। अब वह पूर्ण चैतन्य और पूर्ण स्वस्थ हो गया था मैं। धीरे से पूछा मैंने, मुझे क्या हो गया मोना, कैसे बच गया मैं? हौले से मुस्कराई और अभिसारिका नायिका की तरह मेरे वक्ष पर अपना सिर रखकर बोली, दुश्मनों ने तुम्हें जान से मारने के लिए रात में चुपचाप तुम्हारे बिछौने में सांप छोड़ दिया था। जिस सांप को छोड़ा था उसका कांटा पानी तक नहीं मांगता, तुरंत मर जाता है वह। उसकी पीठ सहलाते हुए धीरे से पूछा, मैंने एक बात बतलाओ, तुम तो मुझे छूने तक नहीं देती थी, लेकिन आज खुद। मेरी बात सुनकर मोना लजा गई और मुझे अपने आलिंगन में कसते हुए उसने कहा, जितनी आकुलता तुम्हें थी उससे कहीं ज्यादा आकुल मैं थी। दिन रात तुम्हारे लिए तड़पती रहती थी, मगर लाचार थी, विवश थी। मेरे तुम्हारे बीच में इतनी बड़ी रुकावट थी जो कभी भी दूर नहीं हो सकती थी। भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। दुश्मनों की चाल ने उस रुकावट को हमेशा के लिए दूर कर दिया। वह कैसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें कई बार बताना चाहा था कि बेटे की मौत और बहू के साथ हुए हादसे के कारण मेरे दादा हमेशा परेशान रहा करते थे। अकेले में फूट फूट कर रोया करते थे, कोई सहारा नहीं था उनका। मुझे गोरी और सुंदर देखकर मन ही मन घबराते रहते थे वह। जवान होने पर मेरे साथ भी वह हादसा हो सकता था जो मेरी मां के साथ हुआ था। इसी भय ने उनको मुझे विषकन्या बनने की प्रेरणा दी। वे मुझे उसी सांप से रोज डसवाते थे जिस जाति के सांप ने तुम्हें डसा था। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि दोनों सांपों की जाति एक थी, वरना बचा ना पाती मैं तुमको। खैर, दादा ने तो मेरी रक्षा कर दी, मगर वह रक्षा मेरे लिए अभिशाप बन गई। जीवन भर तड़पने के लिए छोड़ दिया उसने मुझे। उसी अभिशाप के कारण तुम्हें अपना नहीं पा रही थी, चाहकर भी दूर रहती थी तुमसे मैं। यदि आवेश के वशीभूत होकर अंधी हो जाती तो तुम्हारा भी वही हाल होता, वही दशा होती जो तुम्हारे साहब की कुलटा औरत की हुई थी। मुंह बाएं अवाक सुनता रहा मैं। मोना आगे बोली, मेरा प्रेम और मेरी मंगल कामना ही मुझे तुमसे बराबर दूर रखती थी। अब उसी प्रेम ने और उसी मंगल कामना ने समीप ला दिया है। उस भयंकर विषधर के विष को बेअसर करने के लिए अपने रग रग में फैले विष का प्रयोग करना पड़ा मुझे। तुम्हें दांतों से काट काट कर और तुम्हें आलिंगन में लेकर अपने विष के जरिए तुम्हारे शरीर के विष को खींचना पड़ा। मेरा प्रयोग सफल रहा। विषकन्या जो हूं मैं, अब मैं तू। मैं अचानक मोना के गले में शब्द अटकने लगे। जवान लड़खड़ाने लगी, शरीर भी नीला पड़ने लगा। आगे बोल न सकी वह, धड़ाम से गिर पड़ी जमीन पर। दूसरे क्षण सारा शरीर ठंडा हो गया उसका। मर चुकी थी वह लाश से लिपट कर माथा रोने लगा फूट फूट कर। मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी उस समय बतला नहीं सकता मैं। स्तब्ध अवाक अपलक निहारता रहा मैं प्रेम को, नेह की, करुणा की और त्याग की, उस साकार मूर्ति को जिसने अपना जीवन गुवाकर मुझे जीवन दान दिया था। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त हो गई है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपना एक सब्सक्राइब करके हमारी कहानी से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।